हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता। तो क्या है ये आदर्श आचार संहिता, कैसी होती है ये लागू और क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यू करती है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यू करती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता को इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, इसीलिए कि हमारे देश में जो चुनाव हो वो स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब इलेक्शन का टाइम आता है किसी भी वोटर को आप इन्फ्लुएंस ना करें और उसके वोटिंग बिहेवियर को चेंज ना करें, इसीलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इश्यू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये कब से होता है लागू, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है कि ये इलेक्शन के डेट से और ये रिजल्ट्स के डेट से, तभी से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इफेक्ट लागू हो जाता है। यानी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को जब अनाउंस किया कि इलेक्शन टू लोकसभा के इलेक्शंस 19 अप्रैल से होने वाले हैं, तो 16 मार्च से ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अब इसके अलग अलग प्रोविजंस क्या है, किस चीजों से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डील करता है, तो इसमें 8 अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिससे डील करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से अलग प्रोविजंस हैं जिससे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डील करता है। तो अलग अलग प्रोविजंस जैसे जनरल इलेक्शंस का कंडक्ट कैसा हो, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट हो सकती है, अलग अलग प्रोसेशंस कैसे कंडक्ट हो सकते हैं, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पार्टी इन पावर के क्या क्या प्रोविजंस हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोस क्या क्या है, इन सारी चीजों को ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कवर करता है। अभी इसमें कुछ डूज हैं और डोंट्स हैं कि आपको क्या चीजें अलाउ होती हैं ड्यूरिंग जब ये MCC लागू होता है, ये सारी चीजें ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होती है। तो कौन सी चीजें आपको प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि आपको अलाउड नहीं होती है जब ये आचार संहिता लागू होती है, तो आप 48 आवर्स यानी 48 तास जब पोलिंग होने वाला होता है उसके पहले आप कोई भी कैंपेनिंग कर नहीं सकते, आप कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेस जो है अभी से जब आचार संहिता लागू होती है तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसी भी यहाँ पे आचार संहिता लागू होती है, वो अपने ऑफिशियल रिसोर्सेस यूज नहीं कर सकते फॉर कैंपेनिंग। और ऑब्वियसली आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, लिकर होता है, गिफ्ट्स होता है टू वोटर्स, वो भी उनकी इन्फ्लुएंस करके उनका वोटर बिहेवियर आप इस दौरान चेंज नहीं कर सकते। न्यू पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट इन पावर है वो इस दौरान कोई भी नए प्रोजेक्ट्स या नए पॉलिसीज नहीं ला सकते, क्योंकि आचार संहिता जो होती है, जो गाइडलाइंस होती है, वो उसी तरह से होती है कि आपका इलेक्शन निष्पक्ष हो, सभी अपोजिशन पार्टी हो, कैंडिडेट हो, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, दैट इज व्हाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस होता है। अभी इसमें MCC जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी बताता है कि कोई भी रिलीजियस प्लेसेस का यूज आप नहीं कर सकते फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, राइट। ड्यूरिंग इसके वक्त आप लाउड स्पीकर्स, वेकर्स का भी कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें आपको बंद हो जाती है। तो इसमें कौन सी चीजें आपको अलाउड होती हैं ड्यूरिंग द MCC, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सारी चीजें
बंद हो जाती है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है जब आचार संहिता लागू होती है, तो ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट कर सकती हैं, रोड शोज ले सकती हैं, रैलीज निकाल सकती हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया में कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन ये सब परमिशन लेके, और इनको इंश्योर करना होता है कि कोई भी हेट स्पीच या पर्सनल अटैक ना करें। वो लोग फंड्स भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने इलेक्शंस के लिए। अभी आते हैं, क्या ये एमसीसी लीगली बाइंडिंग है, क्या इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग है? द आंसर इज नो, इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ये एक मॉरल गाइडलाइंस है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए कि आप इसको फॉलो करो सो दैट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी होती है कि अगर कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज ये एमसीसी यानी आचार संहिता को अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं, कोई गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको एक नोटिस दे, एक वार्निंग दे और पेनलाइज भी करें। पेनल्टीज भी होती है अगर आप इसको गाइडलाइंस को फॉलो ना करें। हमने इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, जैसे उन्होंने 2023 में एमपी के इलेक्शंस के दौरान उन्होंने नोटिसेस दिए थे प्रियंका गांधी वाड्रा को। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी हमने ये इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे कुछ लीडर्स ने अगर एमसीसी के गाइडलाइंस को ब्रीच किया है तो उनको भी नोटिसेस भेजे गए थे। तो इस तरह ये एमसीसी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है ऑफ इंडियन इलेक्शंस। तो इसको फॉलो करने से और इसके तहत हम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। थैंक यू।